दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक युवती पहाड़ों के आसपास गाड़ी चला रही थी, तभी अचानक छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और कार की विंडशील्ड टूट गई। फिर एक पूरी चट्टान खिसक गई, जिससे भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी वाहन से टकराई और उसे सड़क के किनारे से धकेल दिया। कार लुढ़कती हुई पहाड़ी से नीचे गिरती है और फिर से किनारे से गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि लड़की बच जाती है, लेकिन कार फंस जाती है। हालांकि जब वह बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि कार मुश्किल से कुछ पत्थरों पर लटकी हुई है। इस बीच रे और लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के अन्य सदस्य एक पत्रकार द्वारा उनके काम के बारे में साक्षात्कार के दौरान लड़की की खोज के लिए एक हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। जब वे आखिरकार कार देखते हैं तो वे लड़की के फोन पर कॉल करके उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब कार थोड़ी हिलती है तो वह फिर भी चिल्लाती है। रे सावधानी से नीचे उड़ती है, हेलीकॉप्टर को गैप में फिट करने के लिए झुकाती है। फिर एक बचावकर्मी रस्सी पर चढ़कर कार को सुरक्षित करने के लिए नीचे जाता है, जिसे उसे 5 मिनट के अंदर पूरा करना होता है, नहीं तो इंजन फेल हो जाएगा। जैसे ही लड़का करीब आता है, लड़की उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिससे कार फिर से हिलने लगती है। कार जल्द ही सुरक्षित हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल जाती है और बचावकर्मी उसमें फंस जाता है। हेलीकॉप्टर भी हिलने लगता है और इंजन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, इसलिए रे भी नीचे जाने का फैसला करता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर चलना शुरू होता है, काला धुआं छोड़ते हुए रे कार तक पहुंचता है और लड़की को बाहर निकालने से पहले दरवाजा फाड़ देता है। फिर पायलट कार को पकड़े हुए रस्सी को काट देता है, जिससे कार गिर जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन बचावकर्ता भी मुक्त हो जाता है जबकि रे लड़की को सुरक्षित रूप से पकड़ लेता है। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉ हेस बड़े भूकंपों के इतिहास पर एक व्याख्यान दे रहे हैं, जो दुनिया भर में बहुत सारी मौतें और विनाश का कारण बनते हैं। हेस सैन एंड्रियास फॉल्ट का भी उल्लेख करते हैं, जो कैलिफोर्निया से होकर गुजरने वाली टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन स्थल है। उन्हें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की संरचना जल्द या बाद में एक बड़े भूकंप का कारण बनेगी। इसके बाद हेस अपने कार्यालय जाते हैं, जहां डॉ पार्क हूवर डैम के पास पाए गए कई भूकंपों की खबर साझा करते हैं और वे उन्हें जांचने का फैसला करते हैं। जब रे घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी ब्लैक उन्हें कुछ चीजें मांगने के लिए बुलाती है, जो वह उनके घर पर छोड़ गई थी और जिन्हें वह कॉलेज ले जाना चाहती है। वह अचानक बातचीत समाप्त कर देता है क्योंकि उसने मेल खोला है और तलाक के कागजात पाए हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर रे ब्लैक के कमरे में जाता है और सामान उठाता है और कुछ पारिवारिक तस्वीरें ढूंढता है, जिसमें ब्लैक की मृत बहन भी शामिल है। नेवादा में हूवर डैम पर पार्क और हेस एक नए उपकरण से भूकंपीय गतिविधि को माप रहे हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि क्षेत्र में भूकंप आने से ठीक पहले नाड़ी की दर में अचानक बहुत उछाल आ जाता है। बांध के ऊपर हेस लोगों को भागने के लिए कहता है, लेकिन पार्क अंदर है और उसे सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि बांध टूटना शुरू हो जाता है और चट्टानें खिसकने लगती हैं। लोग घबराकर भाग जाते हैं जबकि संरचना टूट जाती है और पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे और भी अधिक नुकसान होता है। पार्क जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन उसी समय वह एक लड़की को छोटे पैर के साथ देखता है और उसे उठाने के लिए रुक जाता है। फिर वह जितनी तेजी से हो सके भागना शुरू कर देता है, जबकि उसके ठीक पीछे जमीन ढह जाती है। अचानक पार्क का पैर लड़खड़ाता है और वह लड़की को हेस पर फेंक देता है, लेकिन गिरने से पहले उसे पता चलता है कि उसके पैर में धातु की छड़ लगी है और वह फंस गया है। हेस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पार्क उसे लड़की के साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि बांध आखिरकार टूट जाता है और पानी का एक बड़ा विस्फोट उसे मार देता है। रे के पास वापस उसे अपने बॉस से एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे भूकंप के बारे में बताया गया है और उसे अंदर आने के लिए कहा गया है। सबसे पहले रे अपनी बेटी का सामान छोड़ने के लिए रुकता है और अपनी पूर्व पत्नी एम्मा और उसके प्रेमी डैनियल से मिलता है। एम्मा उसे बताती है कि वह डैनियल के साथ रहने जा रही है, जिससे रे बहुत परेशान हो जाता है और वह अजीब तरीके से काम पर जाकर भाग जाता है। कुछ घंटों बाद ब्लैक डैनियल के साथ उसके कार्यस्थल पर जाती है और लॉबी में प्रतीक्षा करते समय वह बेन और उसके छोटे भाई ओली से दोस्ती कर लेती है। इस बीच हेस का साक्षात्कार उसी रिपोर्टर द्वारा किया जा रहा है, जिसने रे से बात की और बताया कि पार्क की मृत्यु से पहले उन्होंने पुष्टि की कि उनका नया उपकरण भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है। उन्हें अचानक हेज के छात्रों द्वारा बाधित किया जाता है, जिनके पास सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ गतिविधि के बारे में समाचार है। इस जानकारी का उपयोग करते हुए हेज कुछ गणना करता है और एक मानचित्र पर दोष और बांध की सीमा का पता लगाता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट जल्द ही बंद हो जाएगा। लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में एम्मा डैनियल की बहन के साथ दोपहर का भोजन कर रही है, जो एम्मा की दूसरी बेटी की मौत के बारे में बहुत ही असभ्य सवाल पूछती है। जब एम्मा को रे का फोन आता है तो वे बाधित होते हैं, जो अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। अचानक रेस्तरां की मेजें हिलने लगती हैं और जल्द ही पूरी इमारत भूकंप की चपेट में आने से हिल जाती है। जब रे हेलीकॉप्टर की खिड़की से देखता है तो उसे पता चलता है कि भूकंप के कारण राजमार्ग भी ढह रहा है। वह एम्मा से पूछता है कि वह कहां है और उसे छत पर जाने के लिए कहता है, ताकि वह उसे कुछ मिनटों में उठा सके। हेच के कार्यालय में समूह टेबल के नीचे छिपने के लिए दौड़ता है और उनका उपकरण बताता है कि यह भूकंप 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट सक्रिय हो रहा है और सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है। ब्लैक वापस आती है, वह डैनियल के साथ कार में बैठकर जाने के लिए तैयार होती है, जब अचानक वे भी भूकंप की चपेट में आ जाते हैं। डैनियल अपने ड्राइवर से उन्हें बाहर निकालने का आग्रह करता है। वहां कार तेजी से भागती है क्योंकि पूरा पार्किंग स्थल ढहने लगता है और दूसरे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। जमीन में एक छेद हो जाता है और कार नीचे गिर जाती है, दीवार से टकरा जाती है और मलबे में फंस जाती है। कार की छत को एक बीम से नीचे धकेल दिया जाता है और तुरंत ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिसकी सीट मुड़ जाती है और ब्लैक के पैर उसमें फंस जाते हैं। डैनियल उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वह कहता है कि वह मदद के लिए जाएगा। पहली मंजिल पर डैनियल एक सुरक्षा गार्ड को ढूंढता है और मदद मांगता है, लेकिन गार्ड गिरती हुई छत से कुचल जाता है। घबराया हुआ डैनियल बाकी लोगों के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन बेन और ओली उसे गार्ड से बात करते हुए सुन लेते हैं और ब्लैक को ढूंढने का फैसला करते हैं। उसी समय रे लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरता रहता है और हॉलीवुड साइन को गिरते हुए देखता है। शहर में कई जगहों से आग और धुआं निकल रहा है और गगनचुंबी इमारतें भी गिरने लगी हैं। रेस्तरां में लोग घबरा रहे हैं और एम्मा एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एक छेद और एक आदमी को गिरते हुए देखती है। रेस्तरां का ओवन फट जाता है और शेफ आग की चपेट में आ जाता है, जबकि एम्मा सभी को बताती है कि उन्हें छत पर पहुंचना है।
वह बाहर निकलने की सीढ़ियां ढूंढती है और ऊपर की ओर भागना शुरू कर देती है, लेकिन लोग नीचे की ओर भागने की कोशिश करते हैं। छत पर फर्श ढहने लगता है। एब्स और एम्मा सभी मलबे के बीच से गिरती है जब तक कि वह दर्द से निचली मंजिल पर नहीं गिर जाती, जिससे वह खून से लथपथ और चक्कर खाकर गिर जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए वह मलबे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, जहां उसे आखिरकार रे मिल जाता है। जब वह करीब जाने की कोशिश करता है तो कुछ फट जाता है और छत पर आग लग जाती है, इसलिए एम्मा इससे दूर चली जाती है और रे उसके लिए एक बचाव टोकरी के साथ रस्सी छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ मंडराता है। एम्मा दौड़ती है और आखिरी सेकंड में कूदने के लिए कुछ छेदों को चकमा देती है। एक और इमारत के गिरने से ठीक पहले टोकरी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और इस प्रक्रिया में यह इमारत गिर जाती है। रे तुरंत उसे ऊपर खींचता है और पायलट की सीट पर लौटता है, जहां उसे नियंत्रण पकड़ना चाहिए क्योंकि हेलीकॉप्टर को एक और गिरती हुई गगनचुंबी इमारत द्वारा टेलीस्पिन में भेजा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को अपना फोन मिल जाता है और वह मदद मांगने के लिए रे को कॉल करती है, लेकिन जल्द ही उसका सिग्नल चला जाता है। जबकि रे एम्मा को बताता है कि वे उसे बचाने जा रहे हैं, कार के ऊपर और मलबा गिरता है। उस समय बेन और ओली ब्लैक को ढूंढते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए धातु की बीम का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे और मलबा गिरता है। फिर बेन ट्रंक की जांच करता है और एक टायर जैक पाता है जिसका उपयोग वह गिरे हुए बीम को उठाने के लिए करता है, हालांकि यह केवल ऊपर उठता है। सड़कों पर डैनियल अन्य बचे लोगों के साथ दूर जा रहा है जब अचानक भूकंप के झटकों से एक और इमारत गिर जाती है। भीड़ घबरा जाती है और सभी दिशाओं में भागती है, जबकि डैनियल लोगों को अपने रास्ते से हटा देता है, जिससे एक आदमी धूल की लहर में उड़ जाता है। जब हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके बेकर के खेत के पास पहुंचता है तो एक इंजन अचानक फट जाता है। रे जानता है कि वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं, इसलिए वह कुछ पागल चालें चलना शुरू कर देता है, उतरने की कोशिश करने के लिए बार बार ऊपर और नीचे जाता है। दुर्भाग्य से प्रोपेलर एक लैंपपोस्ट से टकराता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, सीधा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुक्र है कि रे और एम्मा ठीक है और वे देखते हैं कि कैसे लोग संकट के इस समय का उपयोग मॉल को लूटने और पागलों की तरह एक दूसरे को गोली मारने के लिए करते हैं। वे पार्किंग स्थल के चारों ओर छिपते हैं जब तक उन्हें एक ट्रक नहीं मिल जाता जिसका दरवाजा खुला है, और रे इसे गर्म तार से मारना शुरू कर देता है। केवल एक चोर के लिए अचानक उसे बंदूक से धमकाया जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के रे उन्हें अनदेखा करता है और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगाता है जब एम्मा सड़क के बीच में सैन एंड्रियास के कारण एक बड़ा गैप देखती है। दोनों वापस लौटते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति और रे ने उस आदमी की एविएशन हेड देखी, इसलिए दंपत्ति उन्हें पास के एयरपोर्ट हैंगर में ले गए। धन्यवाद के तौर पर वे बुजुर्ग दंपत्ति को ट्रक देते हैं और वे विमान में चढ़ जाते हैं। उड़ान भरने से पहले रे ने स्वीकार किया कि वह भावनात्मक रूप से दूर हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपनी बेटी की मौत से कैसे निपटना है, और वह इसके लिए खुद को दोषी मानता है क्योंकि उस दिन राफ्टिंग करने का विचार उसका था। रे ने अपनी शादी को बर्बाद करने के लिए माफी मांगी और एम्मा ने उसे आश्वासन दिया कि कोई भी उनकी लड़की को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक का समूह भीड़ के साथ चल रहा है, जिसे एक गार्ड द्वारा खाली करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अचानक ब्लैक एक परित्यक्त फायर ट्रक देखता है और आपातकालीन आपूर्ति का एक बख्तरबंद बॉक्स निकालता है, जिसमें एक रेडियो और खाद्य राशन शामिल है। बेन ने देखा कि कोई टॉवर आग और धुएं से घिरा हुआ है, इसलिए ओली ने अपनी पर्यटक पुस्तक में पढ़ा कि अगला सबसे ऊंचा बिंदु नॉब हिल है और तीनों वहां जाने लगते हैं, जो निकासी की विपरीत दिशा में है। कुछ ही देर बाद विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है, लेकिन हवाई अड्डे पर भी आग लगी हुई है, इसलिए रे विमान को ऑटोपायलट पर सेट कर देता है और घोषणा करता है कि उन्हें पैराशूट से उतरना होगा। एम्मा हिचकिचाती है, इसलिए रे उसे अपने पैराशूट से बांधता है और वे दोनों एक साथ कूदते हैं, कई मिनट तक गिरते रहते हैं और फिर बेसबॉल के मैदान के बीच में सुरक्षित उतरते हैं। उस समय इलाके में एक और भूकंप आता है। हेस और उनकी टीम फिर से टेबल के नीचे छिप जाती है, यह देखते हुए कि इस बार इमारत ज्यादा हिल रही है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर तीनों गिर जाते हैं क्योंकि भूकंप बिजली की लाइनों को गिराना और इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देता है। समूह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन गिर जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसकी जांघ में घुस जाता है। उस समय ओली टूट जाता है और ब्लैक उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करती है। शहर का बाकी हिस्सा ढहता रहता है क्योंकि इमारतें और यहां तक कि पुल भी ढह जाते हैं। समुद्र भी हिलने लगता है। जैसे ही रे और एम्मा बाहर आते हैं, रे लोगों को स्टेडियम के पीछे छिपने के लिए कहता है क्योंकि यह ढाती इमारतों के रास्ते से दूर है। वहां एक घायल महिला है जो चल नहीं सकती, इसलिए रे उसे उठाकर स्टेडियम ले जाता है, जहां सभी लोग दीवार के पास खड़े हो जाते हैं इससे पहले कि वे गिरती हुई इमारतों की चपेट में आ जाएं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी ठीक हैं, रे और एम्मा को पता चलता है कि वहां बहुत ज्यादा तबाही है, इसलिए उन्हें नाव लेनी होगी। भूकंप रुकने के बाद ब्लैक बेन की जांघ से टुकड़ा निकालता है और घाव को लपेटता है। हेस्ट अपने कंप्यूटर की जांच करता है और पुष्टि करता है कि यह इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप है। कुछ मिनट बाद रे और एम्मा को पता चलता है कि टावर जल रहा है, लेकिन रे जानता है कि ब्लैक को जलना चाहिए। ब्लैक शायद किसी दूसरी इमारत में चला गया होगा। उस समय उसने देखा कि पानी का स्तर बहुत तेजी से बदल रहा है और उसे एहसास हुआ कि सुनामी आने वाली है। रेडियो के जरिए ब्लैक तक एक चेतावनी पहुंचती है और अलार्म पूरे शहर में गूंजने लगता है, इसलिए वे समय पर नॉब हिल नहीं पहुंच पाते। ब्लैक ने उस इमारत को देखा जिसे डैनियल पास में बना रहा था और उसने तय किया कि उन्हें वहां छिपना चाहिए। तट पर सैकड़ों नावें भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक विशाल लहर ने उन्हें रोक दिया है। कुछ नावें ऊपर की ओर जाती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन रे शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नियंत्रण रखता है। दुर्भाग्य से वे एक कंटेनर जहाज से टकराते हैं जो उन्हें लगभग मार देता है। शुक्र है कि रे समय रहते वहां से हट जाता है और जहाज सिर्फ उनकी छत को ही छूता है। कंटेनर भी गिर रहे हैं, इसलिए रे उन सभी को चकमा देने के लिए तेजी से गाड़ी चलाता है क्योंकि जहाज गोल्डन गेट ब्रिज पर पलट जाता है। इससे बहुत से बचे हुए लोग मारे जाते हैं, जिनमें डैनियल और बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल हैं। वह सुनामी जल्द ही पुल के बाकी हिस्से को भी गिरा देती है और सैन फ्रांसिस्को में बाढ़ आ जाती है, जिससे वह सब नष्ट हो जाता है जो भूकंप नहीं कर सका था। इस बीच ब्लैक का समूह ऊपर की ओर भाग रहा है और सबसे ऊंची मंजिल पर रुक जाता है क्योंकि सीढ़ियां अवरुद्ध हैं।
दुर्भाग्य से यह पर्याप्त ऊंची नहीं है और वे देखते हैं कि सुनामी उनकी ओर आ रही है, इसलिए वे खंभों के पीछे छिपने के लिए भागते हैं। पानी खिड़की से टूट जाता है और इमारत में बाढ़ आ जाती है। जल्द ही रे और एम्मा नाव के साथ उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और पूरी तरह से विनाश की स्थिति देखते हैं। यह जानते हुए कि ब्लैक ने रे की शिक्षाओं से सीखा है, वे उसे खोजने के लिए ऊंची इमारतों की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक और भाइयों के पास वापस, वे देखते हैं कि सीढ़ियां साफ हो गई हैं, इसलिए वे एक ऊंची मंजिल पर जाते हैं। उस समय ओली ने नाव को विपरीत दिशा में जाते हुए देखा। वह और ब्लैक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए खिड़की पर मारना शुरू करते हैं, लेकिन एम्मा और रे उन्हें सुन नहीं पाते। फिर ब्लैक को याद आता है कि ओली के पास एक लेजर पॉइंटर है, इसलिए वह इसे नाव के नियंत्रण कक्ष पर चमकाती है और वयस्क आखिरकार उन्हें देख लेते हैं। अचानक एक और लहर उस क्षेत्र से टकराती है और खिड़कियां तोड़ देती है, जिससे एक और मंजिल भी पानी से भर जाती है। बेन और ओली बचने के लिए सीढ़ियों की ओर तैरते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ब्लैक पानी में फंस जाता है और कांच के दरवाजे की वजह से भाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इमारत डूब रही है और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। रे नाव को एम्मा के हाथों में छोड़ देता है और इमारत में तैरने के लिए पानी में कूदने से पहले उसे चूमता है। अंदर जाने पर रे एम्मा को कांच के दरवाजे के दूसरी ओर देखता है और उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, जबकि वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। मलबा ऊपरी मंजिल पर बेन ओली को ब्लैक के लिए वापस जाने तक सुरक्षित रूप से प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय इमारत फिर से हिलने लगती है और पानी उनके क्षेत्र में भी पहुंच जाता है। यह पानी ब्लैक के सांस लेने के लिए आखिरी कुछ इंच ले लेता है और वह जल्द ही बेहोश हो जाती है। हताश रे मलबे को हटाने का अंतिम प्रयास करता है और आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाता है। उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वह भाइयों से मिलने के लिए ऊपर की ओर तैरता है। इमारत डूबती रहती है क्योंकि ब्लैक को CPR देने की कोशिश करता है और बेन खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं होता है। बाहर एम्मा यह देखती है और नाव को वापस चलाती है और फिर बहुत तेज गति से इमारत के पास पहुंचती है और अंदर घुस जाती है। समूह तुरंत नाव पर चढ़ जाता है और दूर चला जाता है। इमारतों के उनके पीछे गिरने से ठीक पहले रास्ते से हट जाता है। रे ब्लैक को पुनर्जीवित करने की कोशिश जारी रखता है और अंततः हार मान लेता है, लेकिन एम्मा को रोता देखकर उसे कोशिश जारी रखने की प्रेरणा मिलती है और वह एक और बेटी को खोने से इनकार करता है। अचानक ब्लैक जाग जाता है, चक्कर खा रहा है लेकिन जिंदा है और सभी राहत में गले मिलते हैं। कुछ समय बाद नेशनल गार्ड और UN राहत दल बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए उस क्षेत्र में पहुंचते हैं। जो लोग बच नहीं पाए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बाढ़ पर संकेत पत्र और तस्वीरें लटका दी जाती हैं। रे और उनका परिवार शहर के बचे हुए हिस्से पर नजर रखते हैं और घोषणा करते हैं कि अब पुनर्निर्माण का समय आ गया है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।